यार मैंने सोचा कि जूस भी इनसे ले लें क्योंकि रोजे में जूस ज़्यादा लगता है। चलो ये ले, यही ले। 40 हो गए, पहुँच ही नहीं। उधर देख, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। तो भाई आज का सीन ये है कि हमने सोचा कि सी व्यू पर जाकर रोज़ा खोल लें। सी व्यू का सीन ये है कि समंदर पे आजकल सी साइड पे ये रोज़ा खोलने का इफ्तार करने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो हमने सोचा हम भी जाके वहाँ करें। सांस चढ़ गई, चल रहा हूँ ना। टाइम बहुत कम रह चुका है, सनसेट बिल्कुल हो चुका है। हमने सोचा था कि सनसेट से पहले पहले यहाँ पहुँचेंगे, मगर ये हो नहीं सका, कुछ वजूहात हो गई हैं। तो आज का सीन यही था कि हमने सी व्यू पर जाके इफ्तार करनी है। तो अभी जाते हैं, हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बैठ के करनी है, और चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या माहौल है। पीछे व्यू आने वाले, आज बेहतरीन वीडियो होने वाली है, अनप्लान वीडियो। तार का वक्त करीब आ चुका है, तो दिल पसंद पे इतना रश है कि मत पूछो, क्योंकि जायके में इतना बेहतरीन है ना। तो लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन। यार 3 समोसे, आलू और सब पकौड़े हैं। कौन कौन से? आलू के भी हैं, मिर्ची भी है, और मिक्स वाले भी हैं। यार एक पाव कर देना, मिक्स हो जाएंगे। एक पाव मिक्स, चले चले ठीक है। 3 समोसे कर दें आलू वाले, और एक पाव की वो बना, एक पाव पकौड़े, पकौड़े सही, बस आधा पाव पकौड़े, पापड़ी दे दें, 2 फेमस समोसे, एक तो आधा किलो पहले मिठाई का, और आधा पाव चलेगी, और ये लेंगे। तुम्हारा अब्बा लेगा, खुलेगा, ले ले जल्दी, पैसा ले ले यार, ये लो। बहुत रश हो गया, टाइम बहुत कम रह गया। हमने सारी खोलनी है, सी साइड पे जाके समंदर पे, समंदर पे थोड़ा माहौल देखेंगे वहाँ, नेचर के साथ अफ्तारी करनी है। 2-3 रोजे रह गए हैं, तो हमने सोचा वहाँ जाके करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। मेरे 3 आलू के समोसे हैं, पकौड़े, एक पाव मिक्स। तो भाई ऑर्डर लगवा दिए, बाकी बस अब इंतजार है, बन चुकी है। यहाँ से उठाते हैं, 3 तलवार पर खड़े हैं, दिल पसंद का आगे निकल। एक पाव मिक्स पकौड़े, यार मैंने सोचा कि जूस भी इनसे ले लें क्योंकि रोजे में जूस ज़्यादा लगता है। चलो ये ले, उधर हो गया, टाइम बहुत कम रह गया, मुकाबला चल 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 बना रहा हूँ मैं। सनसेट के साथ सनसेट के सीन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं आगे आपको, तो इसलिए इतनी भागम दौड़ी चल रही है। टाइम तो है अपने पास, मगर ये हो चुका है कि 6:40 हो गए, तो पहुँच ही नहीं। देख ये जद्दोजहद आपके। हाँ भाई पहुँच रहे हैं, कितनी देर में? कुछ टाइम रह गया, बस 3 तलवार पे पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, अगर ट्रैफिक थोड़ा कम मिले, वरना ज़्यादा लग जाता है, टाइम ट्रैफिक की हो जाएगा। ज़्यादा हो गया क्योंकि सनसेट जा चुका है, बिल्कुल एंड है, एंड पे है, पर
आज की वीडियो हमारी होगी बिल्कुल ही अनप्लान, कोई प्लान नहीं था हमारा, ये था कि हम सीओ जाएंगे और रोला खोलेंगे। अब हुआ सीन ये कि मिलने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, फिर जाके हम सामान लेना था वो भूल गए लेना, डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं ली, सिर्फ पानी लिया, तीन समोसे लिए और पकौड़े लिए और कुछ नहीं। हमने सोचा था KFC की डील ले लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहा, किस वजह से नहीं लिया कुछ भी, छोटा मोटा सामान लिया खाने का, वही खाएंगे तो साथ एंजॉय करेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी मदद। बाकी हो सकता है कि रोज़ा खोलने के बाद कहीं जाके बैठ जाए खाना वाना खाए। भाई ये देख सकते हैं सारी फैमिलियाँ यहाँ बैठी हैं और अपना अपना स्टार चल रहा है हर किसी का। मैंने बताया ना ट्रेंड चल रहा है यहाँ, ये देखें ये फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई एक फैमिली, ये फैमिली ये बैठी हुई, मतलब ये पूरी कतार से लोग स्टार के टाइम में लोग नहा भी रहे। मुझे तो लग रहा है शायद रोज़ा खुल भी गया क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी हमें अपनी जगह मिल चुकी है, वो हमारे टीम मेंबर्स लगा रहे हैं अपनी चादर बिछाने, खाने को बहुत सेलेक्टेड सा सामान है तो उसका कोई मसला नहीं है, रोज़ा ही खोलना है, रोज़े के बाद इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। तो ये हमारी जगह मिल चुकी है, ये आ गया पानी की बोतल, बाकी जूस वगैरह और समोसे और डिस्पोजेबल प्लेट लेना हम एज़ यूजुअल भूल चुके हैं, तो खैर है कोई मसला नहीं है, बाकी सीन इन्जॉय करना है यहाँ पे। भाई जगह मुंतखब कर ली है और अफ्तार का वक्त हो चुका है, 7:02 हो चुके हैं, 7:02 पे ही रोज़ा खुलना है और जगह बड़ी अच्छी मिली है, सुकून दे, कोई इतना यहाँ पे हड़ा हुड़ी नहीं है, तो इफ्तार लगा चुके हैं, चादर बिछा के बैठ गए। आज इफ्तारी के मेन्यू में सिर्फ ये हमारे पास दिल पसंद के आलू के समोसे हैं और उसके अलावा हमने मिक्स पकौड़े करवाए आलू के हैं उसके अंदर और आपका अलग अलग रे, मेरे ख्याल सिर्फ आलू ही डाला है, 2-3 मिर्चों वाले पकौड़े डाल दिए और जूस और पानी, यही है इफ्तार में, क्योंकि लेट हो चुके थे इस वजह से नहीं ले पाए और कुछ सामान। नेचर के साथ आज हमने इफ्तार की है, समंदर की जो एक लहरों की आवाज़ें हैं ना वो एक बहुत सुरूर देती है, बहुत सुकून देती है, एक बहुत सोलफुल आवाज़ होती है, तो एक अलग ही फील आती है बंदे को वहाँ रोज़ा खोलने। इफ्तार में हमारे साथ कुछ इतना मेन्यू में था नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से बाकी हमारा एक चीज़ जो मिस हुई है वो सनसेट मिस हुई है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सनसेट मेरे पीछे हो, मैं आगे बैठ के रोज़ा खोल रहा हूँ और साथ ही टाइम लैप्स चल रहा और आप इन्जॉय कर रहे हो घर बैठे, तो ये सीन मिस हो चुका है, खैर है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। भाई अफ्तारी कर चुके हैं, थोड़ा सा लहरों को इन्जॉय करने आए हैं यहाँ पे, कि लहरों के साउंड को, लहरों की जो आवाज़ है वो ऐसी आवाज़ है रूहानियत मिलती है। अच्छा तो बाकी हमने व्यू से इन्जॉय किया, खाने में कोई इन्जॉय नहीं किया क्योंकि खाने में हमारे पास कोई इतना बेहतरीन खाना नहीं था, सिर्फ हमने दिल पसंद के समोसे लिए थे, कुछ पकौड़े लिए थे, पानी और जूसेस वगैरह थे, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसा मेन्यू नहीं था। जैसे हमने सोचा ये था कि हम कोई KFC की डील पकड़ के यहाँ बैठ के खा लेंगे, तो हुआ ये कि सिर्फ टाइम की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए, इस वजह से हम वो ले नहीं पाए, तो हमने जो हमें मिला, हम यार डिस्पोजेबल प्लेट्स लेना भूल गए, तो हमने जो हमारे मिल सका, जो हमें अवेलेबल था जल्दी वो हमने ले लिया और यहाँ आके पहुँच गए और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, भले हमने खाने में कुछ ना खाया हो मगर ये जो सारे पैसे हमारे वसूल हुए वो इस व्यू के हुए। भाई अंधेरा मुकम्मल तौर पे छा चुका है और जो समंदरों की लहरों की जो आवाज़ है वो एक अलग ही सुकून दे रही है, और जो आज दिन में गर्मी थी, जो हीट वेव चल रही थी, वो यहाँ आके बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, बहुत ही पुरसकून माहौल है। शहर से दूर आए हैं साहिल पे अफ्तार के लिए, बहुत अच्छा माहौल है, आप यहाँ आके अपने फैमिली के साथ, अपनी मंगेतर के साथ, अपनी वाइफ के साथ आके आराम से बैठ के माहौल को इन्जॉय कर सकते हैं। ये जो समंदर की आवाज़ है ना, यही एक बहुत सुकून देती है, एक बहुत सोलफुल साउंड है ये समंदर का, लहरों की आवाज़। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।